फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एक छोटा सा यूट्यूब लाइव किया था, 2-2.5 घंटे का स्ट्रीम था। तो उसमें हमने बहुत ही एक ज़बरदस्त निफ्टी का कॉल लिया था, एकदम बॉटम पे पकड़ा था हमने उसको। मैं आपको दिखाऊंगा जो टेलीग्राम चैनल पे है। और अगर आपको लाइव स्ट्रीम से जुड़ना है और लाइव में अगर आपको लेवल्स चाहिए तो आपको ये वाला चैनल जो है मेरा, इस नाम से है गोल्डन बुल्स, ये उसका इंटरफेस है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला सिंबल आएगा इसमें। अगर देखेंगे आप, आज देखो ये वाला लाइव स्ट्रीम हमने किया था, 2 घंटा 55 सेकंड के लिए चला था, 55 मिनट के लिए। तो इसमें हमने एक ट्रेड पकड़ा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर मैंने दिया था, उधर भी अपडेट दिया था, लेकिन सिर्फ स्ट्राइक प्राइस बोला था। उसको मैंने कहाँ पर बाय करना है कहाँ पर नहीं, वो मैं यूट्यूब पे बात कर रहा था, इस वजह से वहाँ पे नहीं दे पाया। और इस ये जो एनालिसिस वीडियो था मेरा आज के लिए जो बनाया था, उसके भी मैं लेवल्स बताऊंगा आपको कि मैंने क्या बोला था और लेवल आपने आए कि नहीं। और ये जो है हमारे जो भी ज़ीरो हीरो वाली ट्रेड है या जो भी मल्टीबैगर ट्रेड है, जो भी हमारे अच्छे वाले ट्रेड है जो मैंने चैनल पे अपडेट दिया था, वो उसके इस उनका ये मैंने डाला हुआ है शॉर्ट्स। ये अगर देखेंगे नीचे वीडियो भी है, डेली का एनालिसिस वीडियोस और शॉर्ट्स, ये वीडियोस है। अभी वीडियो ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ वीडियो। ये अगर शॉर्ट्स देखेंगे, जितने भी मल्टीबैगर्स जो हुए थे ना, उसके मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, लाइव स्ट्रीम हम अभी रेगुलर करने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो जो वीडियो, लाइव वीडियो वाला भी जो वीडियो है मैंने लाइव किया था यूट्यूब का, उसके अंदर जो कॉर्नर में मैंने QR कोड लगाया हुआ है, उसे आप स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि लिंक, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक डालूंगा तो वो क्लिकेबल नहीं है अभी तक, क्योंकि चैनल नया है इस वजह से। तो चलो देखते हैं। देखो मैंने सुबह जो लाइव किया था उसका मैसेज डाला था, बाद में ये देखो मैंने लिस्ट 20,500 का सी मैंने दिया था 10:01, ये मैसेज मैंने ग्रुप में डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप में। उसके बाद में एक्टिव हुआ था वो 10:30 को, उसके बाद बूम 142, 144, 147, 149, इसने बहुत ही ज़बरदस्त हाई मारा। यहाँ पे मैंने बुक करने के लिए बोला था 162 पे, 138 से 162 लगभग हमने 22 से 24 पॉइंट पकड़े हैं इसमें। और बैंक निफ्टी का भी मैंने लेवल जो दिया था वो लेवल मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे। मैंने यहाँ पे कहीं पे बोला था, यहाँ से चैनल का मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ से वो ऊपर जा सकता है, ये वाला जो कैंडल है एक ही कैंडल में ये टारगेट आ सकता है, और यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो ये वाला टारगेट आ सकता है। हालाँकि यहाँ से भी काफ़ी ऊपर गया मार्केट, बहुत ही इंसेन रैली मिला है आज बैंक निफ्टी में, निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी ने बड़ा मूव किया है आज। और ये वाला हमारा जो है लाइव स्ट्रीम का मैंने दिया है चैनल, वीडियो मैंने डाला है ग्रुप में। उसके बाद में ये देखिए, ये मैंने यूट्यूब लाइव का स्क्रीनशॉट निकाला था, 127 का SL दिया था, 138 का बाइंग था, बस 10 से 12-11 पॉइंट का SL था। और रिस्क रिवॉर्ड अगर देखेंगे तो अच्छा, काफ़ी अच्छा RR मिला है हमें। ये वाला मैंने टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट था 161 का और 160 का और 164 का, उसने तो बाद में बहुत ही ज़बरदस्त हाई मारा है, मैं आपको देखा था वो टेलीग्राम चैनल पे। आखिर में अगर देखेंगे, देखो यूट्यूब लाइव वाला मेड 266, 138 से 266। और ये वाला जो है सेकंड मैंने दिया था, ये वाला कॉल एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं,
आ गया भाई। एक मिनट, ये वाला बाद में दिया था मैंने, लगभग 2 बजे के आसपास दिया था। 20,600 का सी मैंने दिया था बाय करने के लिए। ये मैंने 130 पे बाइंग दिया था। और उसका भी अगर देखेंगे, एस एल अपडेट किया था 120, 10 पॉइंट का SL था। तो इसने भी लगभग, मैंने प्रॉफिट बुकिंग जो बोला था इसका, यहाँ पे देखो जब 148 गया था तो यहाँ पे सेफ प्लेयर्स जो है उनको बोला था यहाँ पे बुक करने के लिए, बाकी रिस्की जो प्लेयर है उनको होल्ड करने के लिए बोला था। तब 18 पॉइंट रनिंग थे उसमें। उसके बाद वो पूरा बुक करने के लिए, हाँ यहाँ पे बोला था जब 26 पॉइंट रनिंग चल रहे थे ना, बुक फुल प्रॉफिट्स ना, यहाँ पे मैंने उसको बुक करने के लिए बोला था 130 से लेके 156। तो लगभग हमने इसमें भी 20 से 25 26 पॉइंट पकड़े हैं। उसके बाद ये हाई जो लगाया उसने, दोनों ने, ये यूट्यूब लाइव वाला जो दिया था 266 का हाई मारा है 138 से। और ये वाला जो है 188 हाई मारा है, जो सेकंड वाला ट्रेड मैंने जो दिया था वो। चलिए अब देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया और कल के लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अभी अगर देखेंगे मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप अप दिया है निफ्टी के, ये निफ्टी का चार्ट है। गैप अप देखिए, ये लो लगाया था और ये ओपनिंग प्राइस था उसका। तो जब यहाँ से रिवर्सल आ रहा था तो यहीं पे मैंने वो ट्रेड दिया था, ये वाला, यहाँ तक के लिए। यहाँ तक मुझे, मेरा टारगेट था कि डे हाई तो भी कम से कम टच करने वाला है, लेकिन ये डे हाई ब्रेक करके भी ऊपर गया है। और ये वाला जो लेवल है, मैंने परसों के एनालिसिस में, 1 तारीख का जो एनालिसिस था मेरा, उसमें टेलीग्राम चैनल पे ये वाले लेवल मैंने 1 दिसंबर को ही कंफर्म कर दिए थे कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है 20,686 का। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही पे जाके थोड़ा सा ऊपर तो गया, लेकिन क्लोजिंग नीचे दिया। और अभी भी अगर देखें आप क्लोजिंग, तो मार्केट की 686 एग्जैक्टली ये जो फिगर है ना, तो यहाँ पे देखो, ये क्लोजिंग में यहाँ पे मार्क करूँ, यहाँ पे जब लाऊंगा एरो तो देखो क्लोजिंग का प्राइस जो है ना 20,686 एग्जैक्टली उसी प्राइस पे क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी आने वाले टाइम में अगर देखेंगे तो 20,813 का ये हमारा सेकंड टारगेट है, और ऊपर वाला जो टारगेट है 21,100 का टारगेट निकल के आ रहा है, वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कल के लिए अभी कौन सा इंट्राडे के लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है अगर देखेंगे, तो मेरे लिए ये वाला जो एक पॉइंट है, ये वाला, ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ये जो डे हाई भी है कल का, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वो लेवल कौन सा होने वाला है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला लेवल जो है 600 का ही पकड़ के चलो, ये इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर ये मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे आएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। और अगर गैप अप ही हुआ, तो अगर गैप अप हुआ यहाँ पे 50 से लेके 100 पॉइंट का या 200 पॉइंट का हो सकता है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। कल ही मैंने एनालिसिस में बोला था कि कल जो भी, जैसे भी मार्केट खुलेगा तो वो टेक्निकल पे ज़्यादा चलने वाला नहीं है, सेंटिमेंट के ऊपर ही ट्रेड होने वाला है मार्केट कल। तो अगर गैप अप खुलता है तो हम रिट्रेसमेंट का यहाँ तक के लिए वेट करेंगे, और यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है वो हिसाब से हम कल के लिए ट्रेड बनाएंगे। तो पॉजिटिव में, मेरे लिए मार्केट अभी पॉजिटिव ही है। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम 600 के नीचे ही, या 600 के नीचे भी निकले तो भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। तो डे लो जो है 500 तो हम नेगेटिव ट्रेड 500 के नीचे ही लेंगे। तब तक हमारे लिए 500 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो मेरे लिए मार्केट कल पॉजिटिव ही रहने वाला है।
चलो अब बैंक निफ्टी का देखते हैं लेवल कौन सा होने वाला है इम्पोर्टेंट। बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे मुझे एक पोलन फ्लैग दिख रहा था, मैंने लाइव में बोला भी था कि यहाँ पे जो मुझे एक फ्लैग दिख रहा है, ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो मैंने बोला था यहाँ से लेके यहाँ तक एक टारगेट हो सकता है छोटा सा, उसके बाद ये अगर ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट आ जाएगा। और ये जो था ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। आज बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, बहुत ही इंसेंट रैली मिला है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए जो सपोर्ट बन रहा है, ये वाला जो स्विंग है, ये एक मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये वाला जो स्विंग लो है, ये वाला एक सपोर्ट हो सकता है, ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। अभी देखो जो ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मेरे लिए बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। कल भी अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट और यहाँ पे आके कहीं पे टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद में अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम उसी हिसाब से ट्रेड उसी साइड ट्रेड लेने वाले हैं निफ्टी में। तो जब तक मार्केट जब तक मार्केट 900 के या 4600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव रहेगा। और अगर नेगेटिव साइड में अगर हमें ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई जो बना है, यहाँ पे आज जो नया ऑल टाइम हाई लगाया है मार्केट ने, कम से कम कितना हाई है मार्केट का, 46,445। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा, मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे कहीं कुछ नेगेटिव कैंडल हमें मिलती है, तो उसके बाद में हम पी साइड का ट्रेड का सोचेंगे और उसका टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 46,200 तक का, यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर गैप डाउन ही खुलता है तो हम लाइव मार्केट में लेवल्स अपडेट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का ये जो लिंक है, आपको यहाँ पे मैं तो डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं है अभी तक। तो चैनल को सपोर्ट करो। ये वाला जो QR कोड आपको दिख रहा है ना, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।